हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत पदों की एक्यूप्रेशर थेरापी से ट्रीटमेंट जानने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाले कि जिनके जरिए आप ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत पदों की घर बैठे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के, और इनके लिए आपको कोई जगह पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि यह कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं कि जिनके जरिए आप श्वेत पदों की ट्रीटमेंट कर सकते हो। दोस्तों, श्वेत पदों लेडीज़ में होता है। लेडीज़ में नॉर्मली मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। पर अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है किसी कारण की वजह से, तो उनको श्वेत पदों ल्यूकोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ल्यूकोरिया में वाइट या तो फिर येलो कलर का फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, जिनकी वजह से शरीर की पूरी गर्मी चली जाती है, शरीर का पूरा सत्व चला जाता है, लेडीज़ में वीकनेस होने लगती है, लेडीज़ के चेहरे की रौनक चली जाती है। इनकी वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं ल्यूकोरिया की वजह से। तो दोस्तों, ल्यूकोरिया होने का सबसे बड़ा कारण है वह है शरीर में नमी का बढ़ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर थेरापी से यह नमी को कम कैसे किया जाए वह जानने वाले। तो दोस्तों, यह सभी पॉइंट ढूंढना बहुत ही इजी है और इनको प्रेस करना भी बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाएंगे कि जिनके जरिए सभी लेडीज़ घर पर ही यह दर्द का, यह तकलीफ का इलाज घर बैठे ही कर सके। तो दोस्तों, जान लीजिए किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है और किस तरीके से यह सभी पॉइंट को हमें दबाना है। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वह हमें हमारा जो नाभि होता है उनसे दो उंगली नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, एग्जैक्ट नाभि के नीचे दो उंगली नीचे। तो यह पॉइंट को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दबा के रखना है, फिर छोड़ देना, या तो फिर ऐसे उंगली आप घुमा सकते हो, या तो फिर उल्टी डायरेक्शन में इनको आप घुमाइए, या तो फिर इनको पंपिंग करिए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इस तरीके से भी आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो, एक्यूप्रेशर दे सकते हो। तो दोस्तों, यह हो गया पहला पॉइंट। इनके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वह जो हमारा पहला पॉइंट है उनसे 3 उंगली नीचे यहाँ पर हमें मिलेगा। तो दोस्तों, जो दूसरा पहला पॉइंट है उनसे 3 उंगली नीचे हमारा दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा। तो दोस्तों, यह पॉइंट को भी हमें आगे जैसे सिखाया वैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है, दबा के रखिए कंटिन्यूस, या तो फिर गोल घुमाइए एक डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में गोल घुमाइए, या तो फिर इनको पंपिंग करिए, इस तरीके से आप दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इस तरीके से आप यह पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें हमारे नाभि के दोनों साइड पर मिलेगा। इनके लिए हमारा जो यहाँ पर दो, बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकोगे, दो उभरे हुए हड्डियाँ आपको यहाँ पर दोनों साइड पर मिलेगी। यह हमारी वेस्ट लाइन होती है, यहाँ पर आपको दो उभरी हुई हड्डी मिलेगी। इनसे थोड़ा आगे की ओर हमें हमारा थर्ड पॉइंट दोनों साइड पर मिलेगी। तो यह पॉइंट को भी आपको दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इनको पंपिंग करना है, फिर इनके बाद इनको घुमाना है एक डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में इनको घुमाना है। तो यह हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इनके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वह पॉइंट हमें, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उनसे आपको ऊपर जाना है और नाभि के लेवल पर आना है, यानी कि थर्ड पॉइंट से ऊपर नाभि के लेवल पर यहाँ पर हमें हमारा फोर्थ पॉइंट मिलेगा। इनको भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है, फिर इनको गोल घुमाना है एक डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में गोल घुमाना है, फिर इनको पंपिंग करना है। इस तरीके से आपको यह 4 पॉइंट को एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद के जो पॉइंट है वह हमारे कमर पर और हमारा जो टेल बोन होता है वहाँ पर हमें मिलता है। हमारा जो स्पाइन है उनके बाजू पर हमें यह सभी पॉइंट को दबाना है नीचे तक। दोस्तों, अगर खुद पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यह दबाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें इस तरीके से टेनिस बॉल का यूज़ कर सकते हो,
या तो फिर दो टेनिस बॉल को साथ में जोड़ दीजिए, टेप से टेप लगाकर जोड़ दीजिए, ताकि जो बीच वाला एरिया है वह केनाल जैसा बन जाए, बाजू के जो बॉल है वह उभर जाए, ताकि जो बाजू के बॉल है वह हमारे जो स्पाइन के आजू बाजू का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उनको दबा सके। इस तरीके से आपको इनके ऊपर लेट जाना है, फिर ऊपर से नीचे तक आपको इनके ऊपर शरीर को रोल करना है, इस तरीके से रोल करना है। दोस्तों अभी जान लेते हैं किस तरीके से आप जो हमने टेनिस बॉल से यह चीज़ बनाई है इनसे आप अपने कमर के और टेल बोन के पॉइंट्स को दबा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे टेनिस बॉल का बना हुआ चीज़ को हम कमर के नीचे रख देंगे। कमर के नीचे रखने के बाद इनके ऊपर आपको लेट जाना है, फिर कमर के सभी पॉइंट को और टेल बोन के सभी पॉइंट को हमें दबाना है, यानी कि नीचे से ऊपर तक हमारे शरीर को इनके ऊपर रोल करना है। 2 से 3 मिनट के लिए यह चीज़ आपको करते रहना है, या तो फिर आप सभी पॉइंट पर थोड़ी देर रुकिए, फिर थोड़ा नीचे जाइए फिर रुकिए, फिर थोड़ा नीचे जाइए फिर रुकिए, इस तरीके से आप सभी पॉइंट पर 1 से 2 मिनट के रुक रुक कर सभी पॉइंट को दबा सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह चीज़ नहीं बनानी है तो आप एक टेनिस बॉल का इस्तेमाल करके भी सभी पॉइंट को दबा सकते हो। इनके लिए आपको पहले एक साइड पर टेनिस बॉल को रख देना है, फिर इनके ऊपर आपको बॉडी को रोल करना है, एक साइड के सभी पॉइंट को दबा लेना है, फिर आपको टेनिस बॉल को दूसरी साइड रख देना है, फिर यहाँ के सभी पॉइंट को आपको दबा लेना है। तो इस तरीके से भी आप एक टेनिस बॉल का इस्तेमाल करके भी सभी पॉइंट को दबा सकते हो। इनके बाद के जो 2 पॉइंट है वह हमारे पैर में मिलेंगे। दोस्तों इनके लिए आपको जो पैर के अंदर की साइड जो सबसे उभरी हुई हड्डी होती है जो बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगी, उनको पहले लोकेट कर लेना है। इनसे आपको 4 उंगली ऊपर अंदर की हड्डी से थोड़ा नीचे की ओर आपको पॉइंट नोट कर लेना है, इनको आपको दबाना है। 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर इनको पंपिंग करना है, फिर इनको एक डायरेक्शन में घुमाना है, दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है। इस तरीके से मिडल की जो हड्डी है उनसे 4 उंगली ऊपर यहाँ पर आपको यह पॉइंट को लोकेट कर लेना है। इनके बाद का जो पॉइंट है वह हमें यह हड्डी की लाइन में ऊपर यहाँ पर बीच में आपको एक सबसे उभरी हुई हड्डी मिलती है, बहुत ही आराम से मिल जाएगी। इसे थोड़ा अंदर की साइड और जो यह नीचे की हड्डी इनकी लाइन में यहाँ पर आपको यह पॉइंट को लोकेट कर लेना है, इनको अच्छी तरीके से दबाना है, एक डायरेक्शन में 10 बार घुमाना है, दूसरी डायरेक्शन में 10 बार घुमाना है, फिर इनको पंपिंग करना है, फिर इनको दबा के रखना है, थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इनको छोड़ देना है। तो दोस्तों यह पॉइंट को भी हमें अच्छी तरीके से दबा लेना है। तो इस तरीके से हमें सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्यूप्रेशर देना है। तो दोस्तों यह हो गए ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदव की एक्यूप्रेशर थेरापी से किस तरीके से आप घर बैठे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन। आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को यह वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।